नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme का ये बैंड। और दोस्तों Realme एक के बाद एक लगातार मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स उतार रहा है और अपने कस्टमर को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और मार्केट में ऑनर हो गया, एमी बैंड हो गया, इन सबको देखते हुए Realme ने भी अपना एक बैंड लॉन्च कर दिया है। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक लोगों को पसंद आता है, और फिलहाल मुझे कहाँ तक पसंद आया है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। दोस्तों मैंने मी बैंड 4 काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है, और ऐसे में ये उसके सामने कहां पर स्टैंड कर पाएगा ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर जो है हम इसे अनबॉक्स करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। और दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसका रिव्यू भी दूंगा कि आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिलहाल अगर अभी हम देखें सिर्फ स्टैटिक्स की अगर बात करें, तो यहां पर मी बैंड 4 से आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले इनकी डिस्प्ले में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती थी, यहां पर आपको सिर्फ एक बटन दे रखी गई है गोल सी, उस पर जब आप टच करेंगे तब ये बैंड करता है। सेकंड पॉइंट दे रखा होता है बैटरी का, चूंकि मी बैंड 4 में आपको 15 से 20 दिन बैटरी मिल जाती है, लेकिन यहां पर ये आपको बैटरी देता है सिर्फ 6 से लेकर 10 दिन की। आप मान सकते हो अगर आप लगातार हार्ट रेट यूज करते हो तो 6 दिन चलेगी, लेकिन अगर आप हार्ट रेट सेंसर को बंद करके रखते हो तो ये आपकी 10 दिन तक आराम से ले जाएगी। तो काफी सारे अंतर हैं। इसके वॉच के फेस में भी अंतर होता है, क्योंकि यहां पर आपको लिमिटेड फेसेस दे रखे हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो आगे और भी अपडेट करेंगे, लेकिन मी बैंड 4 में आपको बहुत सारे फेसेस दे रखे होते हैं। साथ ही आप उसमें कस्टम फेस भी लगा सकते हो, यानी कि अगर मैं अपनी फोटो लगाना चाहूं तो मैं उस वॉच में वो भी फोटो डाल सकता हूं। तो ये सारी चीजें वहां पर दे रखी है, जो कि यहां पर आपको नहीं दी है। लेकिन फिलहाल अभी हम इसे अनबॉक्स करेंगे। ये बैंड मुझे मिला है डीकेजी मोबाइल्स की तरफ से। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट देखते हैं कि बॉक्स में क्या रहता है आपके लिए खास। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme बैंड का ये बॉक्स। सबसे पहले अगर हम इसकी पैकिंग की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी हैं इसके बॉक्स के पीछे। तो यहाँ पर आपको लार्ज कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर रहेगा, केबल फ्री चार्जिंग दे रखी होती है, पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होता है, स्पोर्ट डिटेक्शन और ट्रैकिंग दे रखी होती है, और साथ में ऐप वगैरह के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या रहेगा। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है सबसे पहले तो प्यारा सा बैंड, और वहीं दोस्तों इस बॉक्स के नीचे की तरफ आपको एक सेक्शन दे रखा होता है, जिसे कि मैं कर लेता हूं ओपन। तो यहां पर अंदर की तरफ आपको कुछ ये बेसिक सा पेपर वर्क देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको ये बेसिक सी एक गाइड होती है कि किस तरीके से आपको इसे सेटअप कराना है, और इसके फीचर्स वगैरह के बारे में आपको दे रखा है। तो दोस्तों फिलहाल इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे नहीं, यहां पर देखते हैं हम लोग जल्दी से चलकर इस बैंड की तरफ। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, तो काफी ज्यादा प्यारा सा और कॉम्पैक्ट लुक का ये देखने वाला लग रहा है। निकालते हैं इसके स्टिकर को बाहर और देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो दोस्तों बैंड तो बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग इसका फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे, तो यहां पर दोस्तों बैंड के नीचे की तरफ आपको ये हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर पाएंगे। वहीं तो दोस्तों यहां पर एकदम ट्रेडिशनल जो है आपको वॉच वाला हिसाब किताब दे रखा है, जहां पर आप इस तरीके से आप इसे फंसा कर अपने हाथों में पहन सकते हैं। वहीं यहां पर ये भी सिस्टम आपको दे रखा होता है, हालांकि ये रबड़ का बना हुआ होता है, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मन मर्जी होती है यहां पर पूरी तरीके से। वहीं दोस्तों यहां पर आपको केबल फ्री चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जहां पर आप इसे हटाकर चार्ज कर पाएंगे। तो मैं जल्दी से एक बार इसे भी हटाकर देख ही लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर दोनों ही तरफ इसे ओपन कर लिया है, और काफी ज्यादा खूबसूरत सा ये बैंड देखने में लगता है। इस स्ट्रैप को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये रहते हैं आपके चार्जिंग के ऑप्शन, जिससे कि डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर में या फिर आप अपने यूएसबी चार्जर में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलती है, तो हो सकता है आप इसकी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, तो काफी ज्यादा खूबसूरत सा लगता है ये देखने में। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको मेन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर आपको टाइम वगैरह देखने को मिल जाएगा। हालांकि ब्राइटनेस काफी ज्यादा कम है फिलहाल अभी, क्योंकि चार्जिंग भी यहां पर कम है। वही दोस्तों ये टच स्क्रीन पर नहीं रहती है, आपको जो है ये बीच वाली मिडल वाली बटन को बार बार टच करना होगा, जिसके बाद ही आप इसे ओपन कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो यहां पर आपको बहुत सारे मोड्स दे रखे होते हैं। ये रहती है होम स्क्रीन, जहां पर आपको ब्लूटूथ सिंबल साथ में बैटरी का सिंबल आपको दिखाई देगा। वहीं दोस्तों आप यहां पर स्टेप काउंट कर सकते हैं कि क्या कितने स्टेप आप चलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करी जाती है, तो यहां पर आपको हार्ट रेट मॉनिटर दे रखा होता है, जिसके बाद ये आपका जो है ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप हार्ट रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिकेट मोड दे रखा होता है, योगा का अलग मोड दे रखा होगा, जो भी आप मोड एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बस उस पर रखकर आप हल्का से लॉन्गर टच करिएगा, जिसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है आपका। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं करता हूं इस चीज को बैक, और यहां पर आपको पूरी समरी जो है आपको दिखाई देगी यहां पर इसकी। तो दोस्तों ये आपको बेसिक सी कुछ डिटेल वगैरह दे रखी है। तो फिलहाल अगर हम इसे बंद करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लगातार इसे टच करते हैं, जिसके बाद ये खुद ब खुद ही आपका बंद हो जाएगा।
दोस्तों इसके साथ आपको Realme का एक ऑफिशियल ऐप भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे कनेक्ट कराकर मोबाइल फोन पर सारी डिटेल वगैरह देख सकते हैं। क्रिकेट मोड आपको एक अलग से दे रखा होता है। रनिंग अगर आप खुद ब खुद रनिंग करना शुरू कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा पूरी तरीके से, एकदम स्पोर्ट्स के लिए आपका सही रहता है ये एक तरीके से। हालांकि इसमें कुछ और भी फीचर्स ऐड हो सकते थे जो कि यहाँ पर नहीं किए गए हैं। इसके ऐप में आपको वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाएंगे जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको इसके बारे में बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसे मैं 2-3 दिन इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद हो सका तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का ये रहेगा आपके लिए। फिलहाल दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर मी बैंड 4 को, जो कि बड़ा ही मज़ेदार रहता है क्योंकि मैं इसका रेगुलर यूज़र हूँ, तो मुझे तो कम से कम इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों कि ये आपका कहाँ पर रहेगा, तो इसके लिए मुझे पहले तो इसे लगातार इस्तेमाल करना होगा, इसके बाद ही मैं अपने रिव्यूज़ यहाँ पर इसके बारे में दे पाऊँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन गैजेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।